की और रशिया की। तो आप लोग रशिया से सुना है कि ऑयल लेने लगे हैं और सऊदीया जो है वो चाइना को देगा, तो मतलब ये सीधा सीधा आप लोग अमेरिका से पंगे नहीं ले रहे कि जी मतलब अमेरिका और रशिया का आपको हमेशा से पता है कि वो 36 का आंकड़ा जो बोला जाता है वो है। तो दोस्तों ये तो देखा आपने छोटा सा क्लिप, आपको पता होगा कि भारत डिस्काउंटेड रेट पर रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा, जो रशिया पर तमाम पाबंदियां हैं उसके बावजूद भी। और लेकिन भारत को मतलब इस कदम के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ये टॉपिक, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो। ऑन सीरियस नोट, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसमें काफी कंफ्यूजन है क्या? अब लोग इसको देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको याद हो, जब पुतिन साहब यहाँ आए थे तब हमने इस पर डिस्कस किया था, तब हमारे 29 एमओयूज हुए थे। उनमें पहली बार एक एमओयू, उस दिन मैंने आपको बोला था, हुआ था ऑयल पे, और इंडियन ऑयल ने एमओयू किया था एक रशियन कंपनी से। तो ऑयल लेने की कवायद तब शुरू होती है जब पुतिन साहब यहाँ आते। ये यूक्रेन की लड़ाई वड़ाई, अमेरिकन अमेरिकन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप अब यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखें आरजू जी, उसके दो पिलर है। देखिए, पहली बात, रशिया जो है केवल 14 करोड़ की आबादी है, 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है। अभी पुतिन के पास 630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरी जो बहुत ज्यादा होता है इस आबादी, और उनके पास इतना मिनरल और वेल्थ है कि रिचेस्ट मिनरल वेल्थ है रशिया में, तेल अपना। तेल की एक प्रॉब्लम है रशिया की, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो टेक्नोलॉजी काफी पुरानी, उन्हें कहते हैं वो जो रिफाइनरीज होते हैं उन्हें टी कैटल्स कहते हैं, बहुत पुराने स्टाइल की रिफाइनरीज है उनके। जैसे अमेरिकन का हेलीबर्टन का ले ले या अमेरिकन कंपनीज का ले ले शेल का, वैसे उनका ऑयल एक्सक्रूशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई प्राथमिकता नहीं रही है। अब इनकी जीडीपी चलती है हथियार बेच के और तेल बेच के। मैं हमेशा से अपने गवर्नमेंट पे, यहाँ नेशनल टीवी पे काफी डिबेटों में कहता रहा, यार आप पुतिन को आप हथियार और तेल की गारंटी, तो वो आपसे दोस्ती करता रहेगा। तो ये मैंने काफी, मैंने कहा हम पुतिन से तेल क्यों नहीं लेते, हम दुनिया भर से तेल लेते। अभी परिस्थिति है अर्जुन जी, 85% 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम हर साल 3 से 5 कुएं खोद देते हैं। एक कुआ खोदने में मोटा मोटा, नॉट गेटिंग इन टेक्निकलिटीज, एक कुआ खोदने में 300 से 500 करोड़ लगते हैं। तेल निकला, निकला नहीं निकला, नहीं निकला, पर एवरेज है कि अगर 5 में से 1 आध में भी निकल जाता है तो सारा खर्चा पानी निकल जाता है। हम भी अपना तेल ढूंढ रहे हैं, बट हकीकत यह, चाइना के बाद वी आर द नंबर 2 एनर्जी इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इस इक्वेशन में करीब 1 साल पहले जाए, 1 साल पहले नंबर 1 सप्लायर था सऊदी अरबिया, ठीक है जी। धीरे धीरे इक्वेशन बदलती गई, आज नंबर 1 सप्लायर है यूएसए। यूएसए इज नाउ ऑयल सरप्लस, ऑयल एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 नाइजीरिया है, नंबर 3 ये थोड़ा आगे पीछे चलते रहते, नंबर 3 इराक है, नंबर 4 स्टेज पे आ गया है सऊदी अरब। अब जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर, उनका ये कहना होता है भाई आप हमसे कुछ और चीजें ले लो। अब जब आप ऑयल किसी से लेते हो तो आपको अपनी रिफाइनरी के स्टैंडर्ड्स, कुछ मशीनरी या कुछ जो इक्विपमेंट होता है उनको अपग्रेड करना पड़ता है। हर क्रूड हर जगह का सेम नहीं होता, तो अगर आप अमेरिकन क्रूड लेंगे तो कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से क्रूड आता रहा वो सालों से आता रहा, तो उसका हर एक के पास सिस्टम है। पीछे रिलायंस ने अपग्रेड की थी अपनी रिफाइनरी फॉर अमेरिकन, तो काफी लोगों ने कर ली। अब जो इंडियन ऑयल, आप जानते हैं इंडियन ऑयल इज अ गवर्नमेंट रन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंड, जब वो करती है तो अब पीछे जो टाइम था वो लगा भाई ये सब हिसाब किताब बिठाने का, जो चेंजेस मशीनरी में करने की। अभी एडवांटेज क्या हमें मिला, अभी एडवांटेज दूसरा मिला, रशिया ने कहा यार मैं आपको ना, अभी जो आपको पता होगा यूक्रेन के वॉर के बाद प्राइस बढ़ा है क्रूड का, तो अब उन्होंने बोला यार हम आपको बाजार के रेट पे देंगे, डिस्काउंट पे भी देंगे। दूसरा, आपको याद होगा 2 महीने पहले हमने बात की थी कि सडनली 22% क्रूड का प्राइस गिरा था, तब चाइना, अमेरिका और इंडिया ने 5% रिजर्व निकाल दिया था, क्योंकि एमबीएस जो है सऊदी अरबिया वाले, उन्होंने बोला यार मैं और तेल नहीं निकालूंगा, मैं आई वॉन्ट, कह रहे मुझे जो बाइडन से बिटिंग करा तब मैं डिसाइड करूंगा क्या करूंगा। तब 22% क्रूड के प्राइस गिर गए थे वर्ल्ड ओवर, बिकॉज रिजर्व सब तीनों बड़ी कंट्रियों ने रिजर्व रिलीज किया, तो एमबीएस थोड़ा हिल गए थे, यार ये क्या हुआ, मतलब मैं कैसे, इन्होंने कहा भाई ये वैसे तो इनके आपस में बनती नहीं, ये कहां से बन गई। तो फिर ये यूक्रेन वाला मसला हो गया, यूक्रेन वाले मसले में तेल फिर बढ़ गया। अब रशिया आता है इसमें, कहता है कि भाई मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है आरजू जी, जो रशियन तेल होगा जो अभी हमने जिस लेवल की भी बात करें, इट्स केवल 1.5%। इंपॉर्टेंट थिंग इज केवल 1.5% जितना हम इंपोर्ट करेंगे उसका 1.5% अभी रशिया से आएगा। बट मजे की बात यह है कि अगर आज 1.5 है, कल को ये 15 भी 30 भी, तो एक नई कवायद, उर्दू में जो कहते हैं नई कवायद शुरू।
अब रशिया को हम, अब अमेरिका ने हमारा काम थोड़ा और आसान कर दिया, पहले उनको स्विफ्ट रूप से निकाल दे, तो अब रशिया से हम लोकल करेंसी में भी डील कर सकते हैं। पहले भी रुपी ट्रेडिंग करते थे, रुपी ट्रेडिंग में हमें बहुत फायदा है तेल लेने से। मैम ने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि स्विफ्ट से रशिया को हटाने का मतलब है आप उसको चाइना से पास ला रहे हो। अब चाइना, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब जैसे लास्ट टाइम मैं आपकी पाकिस्तान के एक चैनल पे था, उन्होंने बोला कि भाई आप डील कैसे करेंगे अगर आपको 20 बिलियन का मान लीजिए बिजनेस हमारे रशिया के साथ। मैं को बोलेगा पा ठीक है जी, 5 बिलियन रुपयों में दे दो, 2 बिलियन दिनार में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर में दे दो, ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं क्योंकि पूरा रुपी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ये सब चीजें हम, हमारे पास विकल्प है और हम पहले भी रशिया के साथ रुपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो एक नई शुरुआत हुई, अब इसमें अमेरिका में थोड़ा हड़कंप इसलिए मच गया कि रशिया के पास क्रूड बहुत है, आपने लगा दिया उस पर सैंक्शन, रशिया का आपने मार्केट कर दिया बंद। अब कितने लोग ले सकते तेल, हम लेंगे, चाइना लेगा, एक आध कंट्री और लेगी, और तो कोई लेगा नहीं। और तेल के दो ही बड़े इंपोर्टर है, या चाइना है। चाइना ने, पर आपको याद होगा, ईरान के साथ एक 500 बिलियन डॉलर का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा तेल का, तो चाइना की काफी तेल वहां से आ जाता है। अब ये जब इक्वेशन बनी तो सऊदी अरब भी परेशान, ये अपना इराक भी थोड़ा परेशान, नाइजीरिया भी परेशान और यूएसए भी परेशान। कहते यार अगर आज चलो आज 1.5% है, कल को 10-15% पहुंच गया तो किसी न किसी का धंधा तो हिलेगा ना, बिजनेस तो। और आप जानते हो ऑयल इज मनी, ब्लैक गोल्ड कहते हैं ऑयल को, तो इसीलिए अमेरिकन भी परेशान है। और पुतिन को क्या लग रहा कि ठीक है यार मेरे तेल के एक सेट मार्केट है, हथियार हमारा 60% आर्सेनल अब भी रशियन है, इसमें कोई डाउट नहीं, सारी दुनिया को पता। तो वेपन वाइज वी हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन रशिया और बाकी चीजों पर भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर अब तेल भी आता तो एक रिलेशन को नई लेवल पे ले जाता, और जितना रशिया के साथ तेल बढ़ेगा कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा, किसी ना किसी का हिस्सा घटेगा। अब जो आपका सबसे बड़ा सप्लायर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसको लग रहा है यार अब सबसे ज्यादा तो मेरा ही घटेगा क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर मेरा है। और भाई काम तो आप ही ने कर दिया, आप ही ने रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया, रशिया की मार्केट सिमट गई, रशिया ने हमें डिस्काउंट दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ बाकियों को भी डिस्काउंट देना चाहिए भाई, अगर अमेरिका सऊदीज हो, नाइजीरिया वाले हो, इराक वाले, सबको डिस्काउंट देना चाहिए। देखिए ओपन मार्केट है, अगर हम सबसे नंबर 2 इंपोर्टर है चाइना के बाद, तो आप हमें डिस्काउंट दें, आप कोई डील दें, हम आपसे भी लेते रहेंगे। पर अब ये रशिया के साथ कहने का पॉइंट ये आरजू जी, जो इसमें मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है यूक्रेन वॉर से मिला के देख रहे हैं, ये तब कवायद हुई थी, ये एमओयू तब साइन हुआ था जब पुतिन साहब आए थे, इसमें हमने और आपने बात भी की थी। लास्ट टाइम उससे पहले जो पुतिन जी आए थे 8 चीजों पर एमओयू हुआ था, अब की बार 28 चीजों पर हुआ। और अभी तो उनको काफी MiG-29 का ऑर्डर है, सुखोई का ऑर्डर है, अपग्रेड का ऑर्डर है, एक अटैक हेलीकॉप्टर का 1.5 बिलियन का नहीं दिया था तो शायद अमेरिकन को देंगे, तो वो ऐसी चीजें चल रही है। तो ये एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग है। इसमें एक हमेशा प्रॉब्लम होती थी रशिया से तेल लाना और उसका इंश्योरेंस, आपकी रशिया ने बोला हम आपके बॉम्बे तक या जो भी आप बोट बोलोगे वहां तक तेल ला के देंगे, रशिया ट्रांसपोर्ट करके देगा और इंश्योरेंस भी रशियन दे विल हैंडल, तो वो हमारे थोड़ी आसान की बात होगी कि हमें हमारे घर तक तेल मिल जाएगा। पर अभी वर्थ क्लैरिफाइंग केवल 1.5% है, आने वाले टाइम में बढ़ेगा। हाँ इस ये जो तेल के आसपास है ना, आपको पता जियोपॉलिटिक्स भी, तेल कैश है, तेल पैसा है, तो अब ये थोड़ी हड़कंप यूएस में इधर उधर सब खत्ों में बढ़ गई। और जहाँ सऊदी अरबिया और चाइना का ताल्लुक, तो अब जो देखिए जी जिनपिंग का हमेशा से मंशा है कि डॉलर को एक वर्ल्ड करेंसी से हटाया जाए, मैं डिजिटल युआन हूँ क्योंकि 20 साल से युआन कंट्रोल्ड है आर्टिफिशियली। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा पाकिस्तान की आरजू काज भी भारत के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर रही थी, तो यहाँ पर बात हो रही थी किस बारे में, भारत खरीदने वाला है रशिया से सस्ते दाम में क्रूड ऑयल, जो कि भारत के लिए मेरे हिसाब से तो एक बहुत सही फैसला है, क्योंकि भारत क्यों माने अमेरिका की पाबंदी को, क्यों माने। यूरोपियन कंट्रीज़ अभी भी रशिया से गैस ले रही हैं, नेचुरल गैसेस जो ले रही हैं, तो उसके बाद भारत अगर रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदता है, आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल के रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन रशिया भारत को सस्ते दामों में डिस्काउंटेड रेट पे ये क्रूड ऑयल दे रहा है, और ये जो मतलब जो भी बिजनेस होगा ये इंडियन रुपीज़ में होगा, और मतलब डॉलर पर ऑब्वियसली पाबंदी लगी हुई है, डॉलर में आप कर नहीं सकते हो तो इंडियन रुपीज़ में होगा, और भी कोई तरीके निकाले जाएंगे। तो भारत का ये फैसला मेरे हिसाब से तो बहुत सही है,
इवन ये जानते हो कि भारत का जो अभी आपको पता है कि अमेरिका ज़्यादा क्लोज है, लेकिन हम रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते। और भारत की आबादी आप देखिए, भारत के पब्लिक के बारे में अगर आप सोचें तो ये फैसला बहुत सही है। अगर भारत वहाँ से तेल नहीं खरीदेगा तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको भी पता है कि पेट्रोल डीजल के रेट तो वैसे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस युद्ध की वजह से भारत की आम जनता को क्यों, मतलब क्यों झेलना पड़े। वैसे भी भारत को इस युद्ध की वजह से भारत की आम जनता को शायद महंगा गेहूं खरीदना पड़ेगा। आपको भी ये पता है कि जो इस वॉर की वजह से गेहूं के रेट कितने ऊपर जा रहे हैं, और जो रशियन अगर हमें तेल देते हैं उससे हमारी जनता को तेल की जो कांस्टेंट अभी जो कीमत है वही कीमत अगर रहती है तो ठीक है, अच्छा है, हमारी जनता को फायदा होगा। अब रही बात अमेरिका की पाबंदियों की, तो फिर अमेरिका जो भी करता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि भारत इतना बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनको सोचना पड़ेगा कि ये पाबंदियाँ भारत को किस तरीके से असर कर सकती है और यहाँ कितनी महंगाई बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो